अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आनियाज़ किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंबई का एक बहुत ही फेमस फास्ट फूड। यस, वड़ा पाव बनाने जा रहे हैं हम। सिर्फ बटाटा वड़ा बनाएंगे, वैसे पाव नहीं बनाएंगे। पाव के साथ अगर खाना हो तो हम रेडी पाव ले लेंगे, बिकॉज आज हमारे पास टाइम नहीं है पाव बनाने का। आज हम सिर्फ वड़ा तैयार करने वाले। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। बड़ी ही मज़ेदार बनती है रेसिपी, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने एक बड़ा सा पैन ले लिया है। खुला खुला एक पैन चाहिए। आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। उसे आप डाल दीजिए 5 से 6 बड़ा चम्मच तेल। अब इसके अंदर हम तड़का डाल दें। देखिए, राई है, थोड़ा सा ज़ीरा है हमारे पास में, चना दाल है थोड़ी, और थोड़ी सी उसमें उड़द दाल है। साथ ही यहाँ मैंने 2 सूखी मिर्चें ले ली हैं, उसे मैंने तोड़ लिया है। अच्छा, ये हमारा तड़का है, हम तेल में से ऐड कर लेंगे एंड उसे अच्छा सा स्प्लैटर होने देंगे, यानी हमारे जो राई के दाने हैं वो अच्छे से फूट जाएं। उसके बाद में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बारीक सा जो हमने चॉप किया हुआ है ऐसे लहसुन। आप इसे लहसुन को चाहे चॉप कर लें चाहे कूट लें, लहसुन ऐड कर लें, और साथ ही साथ आप इसमें कड़ी पत्ते भी डाल दें। अच्छा, आप क्या करना है, आप अच्छा सा आपके ये जो टेम्परिंग हमने तैयार की, जो तड़का तैयार किया है, आप इसे अच्छे से स्मोक हो जाने दीजिए। एंड उसके साथ में हम थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा है, जैसे आप देख सकते हैं, मतलब 1/4 टीस्पून से भी कम ही है वो। जब हमारा तड़का जो है वो अच्छा सा स्मोक हो जाए, तब हम इसके अंदर ये हमारे बारीक कटे हुए अनियन ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन लिया हुआ है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का ना हो तो आप 2 मीडियम साइज़ के अनियंस ले लीजिए और उसे आप अपने पैन में डाल दीजिए। अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं आना है, बस गुलाबी सा हो जाए। अब देखिए, मैं इसके अंदर हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल देती हूँ, यानी वो तिल है, ये सफ़ेद तिल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और साथ ही इसके अंदर हम ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रहे हैं, करीब समझिए 2.5 टीस्पून जो है मैंने क्रश्ड चिलीज़ ऐड की है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। और उसके साथ ही थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर, और इसके साथ में मैंने यहाँ थोड़ा सा सांभर पाउडर डाला हुआ है। यस, आप सांभर पाउडर इसमें ज़रूर डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। अच्छा, अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि सांभर पाउडर में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो आप उस हिसाब से जो है नमक को एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा कम ही डालिए, अगर कम पड़ जाएगा तो हम लेटर ऑन जो है ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सारे मसालों को अच्छे से भूनने के बाद में हम इसके अंदर बॉइल्ड आलू डाल देते हैं। बॉइल्ड आलू को हमने रफली बिल्कुल ऐसा मैश कर लिया है, कोई बड़ा पेस्ट वाला नहीं मैश करना है, बस रफली जो है आप उसे मैश कर लें, बस बहुत पेस्ट ना बनाएं। अच्छा, अच्छे से मिक्स कर लीजिए आलू को, और उसके बाद इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। ये जो भुना कुटा ज़ीरा है पहले वो मैं डाल देती हूँ, साथ ही यहाँ मैंने भुना कुटा हुआ धनिया ले लिया है, और उसके साथ में चिली फ्लेक्स है। जितनी भी मसाले की जो लिस्ट है ना, इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड स्क्रीन पर भी देखने मिल जाएगी, सो देयर इज़ नथिंग मच टू वरी अबाउट इट। सारे मसाले डालने के बाद में आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद फाइनली हम इसके अंदर बारीक कटे हुए हरा धनिया के जो है पत्ते डाल देंगे, एंड हमारा मिक्सचर जो है वो कम्प्लीटली रेडी है। बस ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। नमक वगैरह अगर सही है तो कोई मसला नहीं है। फिर आप इसके जो है, अब यूजुअली इसके राउंड हम बॉल्स बना लेते हैं, तो अगर आपको राउंड वाले बॉल्स बनाने हैं तो आप एक यू नो मीडियम साइज़ के राउंड इसके बॉल्स बना लें। और अगर आपको बिल्कुल यू नो एक बॉल की तरह नहीं बनाना, तो जैसे मैंने बनाया यहाँ पे बिल्कुल एकदम राउंड नहीं है, राउंड करके मैंने उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया है, तो वो यू नो एक टिकिया का उसका एक अच्छा सा शेप आ गया है। बट बेसिकली दैट डिपेंड्स, आप चाहें तो बिल्कुल सिर्फ गोल गोल बना लीजिए एंड आपके बड़े का शेप जो है वो बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे आलू से जो है बड़ा तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसे कंटेनर में रख कर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं तो बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ बेसन ले लिया है एंड बेसन के अंदर मैं चावल का आटा डाल रही हूँ। एंड अब बेसन करीब 3/4 कप बेसन था, और उसके साथ में 2 टेबल स्पून हमने चावल का आटा डाला, उसके साथ मैंने नमक डाल दिया, और ये है बेकिंग पाउडर, यानी 3/4 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर भी इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं पानी डाल के, इसका अच्छा सा एक हम पेस्ट तैयार करेंगे। आप ठंडा पानी यूज़ कीजिए एंड ठंडे पानी से डाल के आप इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कीजिए। मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो मैं अब डाल देती हूँ। हल्दी भी ज़रूरी है इसमें, थोड़ा सा हल्दी भी डालिए एंड पानी देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ में ज़्यादा पानी मत डालिए। हमें जो है एक अच्छा थिक सा फ्लोइंग
कंसिस्टेंसी का पेस्ट तैयार करना है। इसमें बहुत पतला नहीं होना चाहिए वरना हमारे वड़े के ऊपर वो अच्छे से कोट नहीं होगा, बहुत पतला रहेगा। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ये कैसे, वो हम केक का बैटर कैसे तैयार करते हैं, उससे थोड़ा सा और रनी चाहिए। ये केक का इससे थोड़ा सा थिक होता है, इतना आप थिक बैटर तैयार कर लीजिए और इसके अंदर आप थोड़ा गर्म तेल डालिए। आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ तो वो उतना बेसन जो है वहाँ पकना स्टार्ट हो गया है। 3 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर गर्मा गर्म बिल्कुल अच्छा सा गर्म तेल डाल दिया और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये हमारा फाइनल स्टेप है। आपने जो वड़े तैयार किए हैं आप उसे बेसन में डिप कीजिए एंड उसके बाद इसे डीप फ्राई कर लें। अच्छा, बहुत हाई फ्लेम नहीं चाहिए, मीडियम हाई फ्लेम चाहिए आप, और ये अच्छे से वड़े जो है डूब जाने चाहिए तेल में। डीप फ्राई कीजिए और दैट इज़ इट। आप इसे फ्राई कर लीजिए, अच्छा सा इसके ऊपर एक कलर आ जाए एंड दैट इज़ इट। हमारे वड़े जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा एंड अगर कोई भी सजेशंस है मेरे लिए तो प्लीज़ गो अहेड एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप वो भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आप मेरी किसी भी रेसिपी को मिस ना करें। अब जैसे आप देख सकते हैं कि वड़े जो है माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर उसका कितना रिच, सनशाइन, यू नो सनशाइन येलो सा कलर आया है इसका एंड कितना स्मूथ है। देखिए, आप बेसन घोलते हुए जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि उसमें लम्स ना आए, अच्छे से उसे आप घोलिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, एक साथ में ज़्यादा पानी मत डालिए, अगेन मैं आपको कह रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार। टिल देन अल्लाह हाफिज़।